दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक बार फिर आज बात करेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी, वक्त नहीं मिल पाया। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी और बहुत सारे लोग अब भी टिकट का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि फिल्म चल रही है जबरदस्त, हाउसफुल, ब्लॉकबस्टर हो गई है फिल्म। लेकिन इस फिल्म पर जो सियासी तकरार है वो अब और बढ़ गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष के ऐसे कई नेता हैं जो इस फिल्म के तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको गलत तरीके से उनका चित्रण फिल्म में किया गया, ये सवाल उठ रहे हैं। और इनका जवाब देने के लिए उनके बेटे और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सामने आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सबसे पहले तो ये क्लियर किया जाए कि द कश्मीर फाइल फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री है तो फिर उसमें दिखाई गई सारी बातें सच्ची होंगी। लेकिन खुद फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि ये फिल्म है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित। उमर अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के बचाव में आए हैं, ये कहते हुए कि द कश्मीर फाइल्स में उनके पिता गया, यानी कि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का गलत चित्रण किया गया है, क्योंकि जिस वक्त कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं थे, गवर्नर थे जगमोहन सिंह, क्यों इस फिल्म में वो नहीं दिखाया गया। दूसरा, जब ये सब कुछ हुआ तो केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे बैक मिल रहा था, जिसे समर्थन मिल रहा था बीजेपी का, तो फिर ये बड़ा सच इस फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए, तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने द कश्मीर फाइल फिल्म में तथ्यों को लेकर सवाल उठाए हो। विपक्ष लगातार इसको लेकर कई सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि द कश्मीर फाइल्स में ये तो दिखाया गया कि पंडितों को वहाँ से भगाया गया, पंडितों का जबरन पलायन हुआ, पंडितों को मारा गया, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया गया कि बहुत सारे कश्मीरी सिख थे जिन्हें आज भगाया गया, आज तक वो वापस नहीं लौटे, उनको भी मारा गया। बहुत सारे कश्मीर में रहने वाले मुसलमान थे जिनको न केवल भगाया गया बल्कि वो मारे भी गए, तो क्या वो सच है? तो ये सच नहीं था। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। कुल जमा बात यह कि जिस तरह से फिल्म झंडे गाड़ रही है बॉक्स ऑफिस में, बहुत सारे सवाल इसके तथ्यों को लेकर भी अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने खास तौर पर यूट्यूब में वीडियोस बनाई अपने अपने यूट्यूब चैनल में और बताया है कि क्या तथ्य दिखाया गया है फिल्म में और एक्चुअली में इतिहास क्या कहता है। अच्छा होगा कि फिल्म देखें या ना देखें, आप सबसे पहले कश्मीर का इतिहास ज़रूर समझें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक दो या ढाई घंटे की फिल्म आपको पूरा सच शायद ना बता पाए, लेकिन 300 पन्नों की किताब आपका थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेगी, लेकिन आपको पूरा सच तथ्यों के आधार पर ज़रूर बताएगी। इसीलिए अपनी सोच बनाएं तो सोच समझकर बनाएं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। शुक्रिया।